रहीम, एनाटमी एंड फिजियोलॉजी में आज हमारा लास्ट यूनिट है, दैट इज कॉल्ड एज द लिम्फेटिक सिस्टम, फर्स्ट सेमेस्टर बीएसएन। अगर हम ये स्ट्रक्चर भी देखें लिम्फेटिक सिस्टम के, तो ये जितने भी आपको ग्रीन ग्रीन कलर की वेसल्स दिखा रही हैं, इनको हम कहते हैं लिम्फेटिक वेसल्स। और ये जो आपके पास यहाँ पे जैसे कि ये सर्कुलर स्ट्रक्चर्स हैं, या ये सारे सर्कुलर स्ट्रक्चर्स, दीज आर कॉल्ड एज लिम्फ नोड्स। तो हमारी पूरी, जैसे स्प्लीन एक बहुत बड़ा लिम्फ नोड है, हमारी पूरी बॉडी में लिम्फेटिक्स और लिम्फ नोड्स डिस्ट्रीब्यूटेड हैं इस तरीके से। इस सिस्टम को पढ़ना किस तरह है, हमने के पहले तो हमें पता होना चाहिए कि लिम्फ क्या होता है, लिम्फेटिक सिस्टम क्या चीज़ है, और वो ऑर्गन्स या टिश्यूज ऑफ द लिम्फेटिक सिस्टम क्या क्या होते हैं। उसके बाद जो है जनरल फंक्शन क्या है, हमारे बॉडी में लिम्फेटिक सिस्टम काम क्या करता है, फिर लिम्फ किस तरह से बनती है, लिम्फ वेसल्स किस तरह से हमारे बॉडी में है, स्ट्रक्चर और फंक्शन क्या होता है लिम्फ नोड्स का, नोड्यूल्स का, स्प्लीन का, थाइमस ग्लैंड का, इन सब का फंक्शन स्ट्रक्चर क्या है। सबसे पहले बात करें, ये जो सिस्टम हमारी बॉडी में है एक ऑर्गन सिस्टम है, जिसके अंदर सबसे पहले तो लिम्फेटिक वेसल्स होती हैं, लिम्फ नोड्स होते हैं, फिर उसके बाद लिम्फ नोड्यूल्स होते हैं, टॉन्सिल्स, स्प्लीन, थायमस, एंड दैट फंक्शंस द इंक्लूड रिकवरी ऑफ टिश्यू फ्लूइड एंड इम्यूनिटी। सबसे बड़ा काम एक तो इम्यूनिटी यानी हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो बनाते हैं, इसके अलावा जो टिश्यू फ्लूइड होता है, जो वेस्ट हो जाता है, उसको वापस रिकवर कर देते हैं, रिकवर करके हमारी ब्लड वेसल्स में डाल देते हैं। अब लिम्फ क्या चीज है, ये एक फ्लूइड होता है इन द लिम्फेटिक वेसल्स एंड लिम्फ नोड्स प्रोड्यूस्ड बाय द एब्जॉर्प्शन ऑफ टिश्यू फ्लूइड, यानी जो फ्लूइड, जैसे ये टिश्यू है, टिश्यू के अंदर ये फ्लूइड प्रेजेंट है, तो यहाँ से ये फ्लूइड जाता है लिम्फ वेसल्स में, और लिम्फ वेसल्स के अंदर ये फ्लूइड जो कहलाते हैं, दैट इज कॉल्ड एज द लिम्फ। फिर लिम्फ नोड क्या है, ये छोटा सा स्ट्रक्चर होता है अलॉन्ग द कोर्स ऑफ द लिम्फेटिक वेसल, जैसे कि ये लिम्फेटिक वेसल यहाँ से जा रही होती है, तो अचानक से एक जगह पे लिम्फ नोड आ जाता है, ठीक है, वो क्या करते हैं, ये फिल्टर करता है लिम्फ को, दैट कंटेन्स लिम्फोसाइट्स एंड मैक्रोफेजेस। तो यहाँ पे हमारे पास लिम्फोसाइट्स और मैक्रोफेजेस प्रेजेंट होते हैं, जो ये लिम्फ आ रहा है ना, इस लिम्फ को फिल्टर आउट कर देते हैं, ताकि इसमें कोई बैक्टीरिया वगैरह, कोई एंटीजन प्रेजेंट ना हो। फिर उसके बाद क्या है, लिम्फेटिक सिस्टम में हमारे पास फ्लूइड, तो लिम्फ हो गया, लिम्फेटिक वेसल्स हो गए, फिर हमारे पास स्ट्रक्चर्स होते हैं, लिम्फेटिक ऑर्गन्स एंड टिश्यूज। लिम्फ बेसिकली बिल्कुल क्लियर होता है किसी भी तरीके के एंटीजन से, और ये इंटरस्टिशियल फ्लूइड होता है, इसको जो लिम्फ कहते हैं, और ये लिम्फेटिक वेसल्स में पास करता है, और यहाँ से फिर हमारी ब्लड वेसल्स में शामिल हो जाता है। अब जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड है, दैट इज कॉल्ड एज द प्लाज्मा, बट विद लेस माइनर प्लाज्मा प्रोटीन्स, यानी प्लाज्मा होता ही है, लेकिन इसमें प्लाज्मा प्रोटीन्स नहीं होती इंटरस्टिशियल फ्लूइड में। सिक्वेंशियल क्या है, सबसे पहले तो देखें, जो हमारे पास टिश्यू है, अब ये टिश्यू से जो लिम्फ होता है टिश्यू के अंदर, ये पहले पहले जाता है लिम्फ कैपिलरीज में, लिम्फ कैपिलरीज के बाद ये चला जाएगा, जैसे ये लिम्फ कैपिलरी हो गई, इसके बाद ये बड़ी सी लिम्फ वेसल में चला जाएगा, लिम्फ वेसल के बाद लिम्फ जाता है लिम्फ नोड्स में, जो कि आपको पता है उसके रास्ते में ही आते हैं, लिम्फ नोड्स से फिर ये कहाँ जाता है, लिम्फेटिक ट्रंक्स में चला जाता है, लार्जर डक्ट्स होती हैं, लिम्फेटिक ट्रंक्स से फिर आती है लिम्फेटिक डक्ट्स, और लिम्फेटिक डक्ट्स होती हैं लार्जेस्ट कलेक्टिंग वेसल्स होती हैं हमारी बॉडी की, और ये लिम्फेटिक डक्ट्स चली जाती हैं वेन्स ऑफ द नेक, जो हमारी नेक है वहाँ पे चली जाती हैं, और वहाँ पे ये ओपन हो जाती हैं। तो जब ये डक्ट इस तरह से आके आखिर में नेक के अंदर ओपन हो जाती हैं, तो जितना भी लिम्फ होता है वापस वो चला जाता है हमारे पास ब्लड वेसल्स के अंदर। अच्छा, फोर्सेस टू मेक लिम्फ फ्लो, लिम्फ फ्लो कैसे करता है, दे फ्लो थ्रू द वेसल्स, एक तो पल्सेशन ऑफ द नियर आर्टरीज, यानी पल्सेट करना, कॉन्ट्रैक्शन होना, ठीक है, स्केलेटल मसल्स की, उसकी वजह से ये फ्लो करता है, फिर इनहेलेशन प्रोसेस की वजह से, लिम्फ फ्लो एट द लोअर स्पीड देन वीनस ब्लड, ब्लड की तरह तेज तेज फ्लो नहीं करता, बल्कि लिम्फ आराम आराम से चलता है, लाइक द वेन्स लिम्फ वेसल्स हैव वाल्व्स, इसके अंदर इसके वाल्व्स भी होते हैं जैसे वेन्स में होती हैं, और वो बैक फ्लो को रोकती हैं। फिर लिम्फेटिक सिस्टम के फंक्शंस की बात करें, कलेक्ट द एक्सेस टिश्यू फ्लूइड को कलेक्ट करता है और इसको वापस ब्लड स्ट्रीम में डाल देता है, फिर कैरी आउट इम्यून रिस्पॉन्सेज को कैरी आउट करता है, यानी हमारे इम्यून सिस्टम बनाते हैं, फिर जो हमारे पास डाइट्री लिपिड्स नहीं होते, लिपिड्स, उनकी एब्जॉर्प्शन डायरेक्ट ब्लड में नहीं होती, तो उनकी एब्जॉर्प्शन लिम्फेटिक सिस्टम के थ्रू होती है, और लिपिड्स और विटामिन की भी एब्जॉर्प्शन होती है। अच्छा, लिम्फेटिक कैपिलरीज जो होती हैं, ये ब्लाइंड वेसल्स होती हैं, स्लाइटली लार्जर इन डायमीटर देन ब्लड कैपिलरीज, ठीक है,
इसके अलावा देयर लैक्टियल्स, लैक्टियल्स क्या होते हैं, जैसे कि हमारे पास इंटेस्टाइन में वहाँ पे इस तरह की प्रोजेक्शंस होती हैं विलाय, और विलाय के अंदर प्रेजेंट होता है लैक्टियल। लैक्टियल बेसिकली लिम्फेटिक है जिसके थ्रू एब्जॉर्प्शन होती है फैट्स की, जो फैट्स होती हैं इसके थ्रू एब्जॉर्ब होती हैं, इनको हम कहते हैं काइल। काइल कहते हैं कि जब वो मिल्की अपीयरेंस के होते हैं और वहाँ से फिर वो ब्लड स्ट्रीम में जाते हैं। लिम्फेटिक ट्रंक्स और डक्ट्स क्या हैं, लिम्फ पास फ्रॉम द लिम्फेटिक कैपिलरीज इन द लिम्फेटिक वेसल्स, ये हम बात जानते हैं। लिम्फेटिक वेसल्स फिर यूनाइट होते हैं और बड़ी बड़ी सी वेसल्स बनाते हैं जिनको ट्रंक्स कहते हैं। ट्रंक्स कौन से, तो लंबर ट्रंक है, इंटेस्टाइनल है, ब्रोंकोमेडियास्टिनल है, सबक्लेवियन है और जुगलर ट्रंक्स, ये हमारी बॉडी में डिफरेंट जगह पे ट्रंक्स प्रेजेंट होती हैं। अच्छा, जो लंबर ट्रंक होती है राइट भी लेफ्ट भी, ड्रेन करती है लिम्फ को टांगों से पेल्विस पे, फिर पेल्विस से किडनी, फिर वहाँ से एड्रिनल ग्लैंड और फिर एब्डोमिनल वॉल। फिर जो इंटेस्टाइनल ट्रैक है यानी इंटेस्टाइन के पास जो है, ड्रेन करती है लिम्फ को स्टमक से, इंटेस्टाइन से, पैनक्रियास, स्प्लीन और लिवर, इन सब जगह से लिम्फ यहीं से इंटेस्टाइनल ट्रंक में जाती है। फिर ब्रोंकोमेडियास्टिनल यानी कि वो जो थोरेसिक वॉल होती है, जो हमारी चेस्ट की वॉल है, जो लंग्स हैं, जो ट्रंक हार्ट है, यहाँ से लिम्फ कलेक्ट करती हैं। सबक्लेवियन ट्रंक्स यानी जो शोल्डर के पास है, अपर लिम्ब्स के पास होती हैं, और जुगलर ट्रंक जाहिर सी बात है जो ड्रेन करेगी हार्ट, हेड और नेक से, वो लिम्फ है। तो ये ट्रंक एक बहुत, इससे भी ज़्यादा बड़ी बड़ी वेसल्स जिनको लिम्फ डक्ट्स कहते हैं उनमें ओपन हो जाती हैं। अच्छा, लिम्फ डक्ट्स जो होती हैं एक लेफ्ट पे होती है, एक राइट पे होती है। लेफ्ट डक्ट को हम थोरेसिक डक्ट कहते हैं, 15 से 18 इंच की लेंथ में होती है और ये डायलिटेशन एट द सेकेंड लंबर जो हमारे पास वर्टिब्रो वहाँ से शुरू होती है, और सिस्टर्ना या खाइली भी इसको कहते हैं। मेन डक्ट फॉर द लिम्फ रिटर्न यही होती है। सिस्टर्ना खाइली रिसीव्स लिम्फ फ्रॉम द राइट एंड लेफ्ट लंबर ट्रंक्स, और इसके अलावा इंटेस्टाइनल ट्रैक से, ट्रंक से भी यहीं पे जाते हैं ब्लड लिम्फ। चेस्ट के अंदर देखा जाए तो थोरेसिक डक्ट प्रेजेंट होती है जिसको ब्रोंकोमेडियास्टिनल ट्रंक से जो है लिम्फ रिसीव होता है। फिर थोरेसिक डक जो है नेक में जाती है, थोरेसिक डक रिसीव करेगी लिम्फ जुगलर से भी और लेफ्ट सबक्लेवियन से भी। थोरेसिक डक रिसीव करती है लिम्फ फ्रॉम द लेफ्ट साइड ऑफ द हेड, नेक, चेस्ट, अपर लिम्ब एंड एंटायर बॉडी, ठीक है। जबकि थोरेसिक डक इन टर्न ड्रेन करती है फिर लिम्फ को वीनस ब्लड में, यानी हमारी वेन्स में ये लिम्फ को डाल देती है। और ये होती कहाँ पे, लेफ्ट इंटरनल जुगलर एंड लेफ्ट सबक्लेवियन, यानी कि अगर ये हमारे पास बॉडी है ना, ऊपर हेड है, तो ये जो लेफ्ट साइड पे जुगलर है और यहाँ से जो आ रही है हमारे पास लेफ्ट सबक्लेवियन, इस जगह पे जो है ये ट्रंक आती है और इसके अंदर लिम्फ खाली कर देती है। अच्छा, जो राइट लिम्फेटिक डक है 0.5 इंच लॉन्ग होती है, ये लिम्फ कलेक्ट करती है राइट जुगलर से, राइट सबक्लेवियन, राइट ब्रोंकोमेडियास्टिनल से, राइट लिम्फेटिक रिसीव राइट अपर साइड ऑफ द बॉडी से, और ये ड्रेन हो जाती है लिम्फ इनटू द वीनस ब्लड एट द जंक्शन ऑफ राइट इंटरनल जुगलर एंड राइट सबक्लेवियन, यानी राइट शोल्डर की तरफ जो है। तो ये देखिए, एक आपके पास राइट साइड होती है और एक आपके पास लेफ्ट साइड है, ठीक है। तो एक राइट और लेफ्ट लिम्फेटिक ड्रेनेज दिखा रहे हैं। अच्छा, लिम्फेटिक ऑर्गन्स जो है, प्राइमरी लिम्फेटिक ऑर्गन, ये वो जगह है जहाँ पे बी लिम्फोसाइट्स और टी लिम्फोसाइट्स प्रोड्यूस होते हैं, ट्रेन होते हैं। देयर बोन मैरो और थाइमस ग्लैंड भी इनमें शामिल हैं। सेकेंडरी लिम्फेटिक ऑर्गन्स और टिश्यूज जो हैं जहाँ पे इम्यून रिस्पॉन्सेज जनरेट होते हैं, जैसे कि लिम्फ नोड्स हो गए, जैसे कि स्प्लीन हो गया या लिम्फ नोड्यूल्स हो गए, टॉन्सिल्स हमारे पास ये भी इनमें शामिल है। ये आपको दिखाया जा रहा है कि आपके पास एक तो राइट ड्रेनेज है और ये जो है आप देखें लेफ्ट ड्रेनेज है, ठीक हो गया। अच्छा, लैक्टियल की हमने बात की थी, हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, वहाँ पे इस तरह की प्रोजेक्शन होती है, डेट इज कॉल्ड एज द विलाय। विलाय के अंदर ये जो आप ग्रीन कलर का देख रहे हैं ये लैक्टियल है, और ये ब्लड कैपिलरी से जितनी भी हमारे पास फैट्स होती हैं, फैट्स वो इस लैक्टियल के थ्रू एब्जॉर्ब होती है।